नमस्कार, मैं शुभांगी पांताउने और आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 के नागपुर बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। नागपुर में डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम के आयुर्वेदिक काढ़े के क्लिनिक को महानगर पालिका के कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से बंद करने के आदेश के बाद डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम के समर्थन में नागरिक सामने आए, जहां उन्होंने डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम के क्लिनिक को खोलने की मांग की। समर्थकों से बात की है हमारे संवाददाता अमित वांद्रे ने। आयुर्वेदिक काढ़ा प्रज्ञा मेश्राम के काढ़े से नागपुर के कई लोगों को फायदा हुआ है और महानगर पालिका के मौखिक आदेश के कारण जो है वो क्लिनिक बंद की गई है। अब जो है वो जो काढ़ा लेने के लिए जो लोग हैं वो लोग आए हैं, आप देख सकते हैं कि ये क्लिनिक फिलहाल बंद किया है। उसके ही समर्थन में फिलहाल जो है कि उनके क्लिनिक जो शुरू करने के लिए जो है वो लोग यहाँ पर आए हैं। उनसे बात करते हैं, सर क्लिनिक बंद हुई है क्या कहोगे? मेरा यही कहना है, आज जिस प्रकार का नागपुर में जो माहौल चल रहा है, लोग मर रहे हैं, अरबों खरबों रुपए लोगों के लूटे जा रहे हैं, कॉर्पोरेशन के अंदर में कॉर्पोरेशन की तरफ से पूरी अनदेखी की जा रही है। ऐसे समय में प्रज्ञा मैडम का जो काढ़ा है मात्र 150 रुपए का, वो किसी को बुला नहीं रही है। उनके यहाँ लोग आ रहे हैं और काढ़े का फायदा लेके खुद ठीक हो रहे हैं। जिसका जीता जागता सबूत मैं हूँ, मैं खुद भी काढ़ा पिया हूँ और आज मुझे ऐसा पता लगा कि जो मेरे भाई बहन जो और एडमिट है जिनको काढ़े की जरूरत है, कॉर्पोरेशन की तरफ से उनको पाबंदी लगाई गई, ऐसा मुझे जानकारी मिली है, लेकिन ये सरासर गलत है। आज इसी के चलते हम लोग प्रज्ञा मैडम के समर्थन पे आए कि उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम प्लीज़ आप काढ़ा चालू करो और जिससे लोगों की जान बचे, यही हमारा बोलना है और जिसने भी ये कृत्य किया उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए नागपुर कर हम आज मैडम के साथ में है। ये मेरा 7 महीने पुराना रिपोर्ट है, ये मैं कोविड पॉजिटिव था, ठीक है, ये मैडम की वजह से मैं ठीक हुआ। आज जिंदा यहाँ जिंदा हूँ तो सिर्फ मैडम की वजह से हूँ। 7-8 महीने पहले की रिपोर्ट है मेरी वाली। आज यहाँ पे क्यों है? आज इनके समर्थन में आए हम लोग। काढ़ा बंद हो गया करके बाकी के लोग भटक रहे, इनको काढ़ा मिलना चाहिए ना। ये कोई किसी को पकड़ के तो नहीं ला रहे कि भाई हमको हमारे से तुम पैसा लो करके। इन्होंने इनका जो है इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उस काढ़े से लोग ठीक हो रहे है ना, तो ये लोगों को मिलना चाहिए। ये क्या राजनीति चल रही? कॉर्पोरेशन हतबल है, मेडिसिन हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, लोग भटक रहे इधर उधर, कोई ऑक्सीजन कोई कुछ नहीं, लोगों को लोग मर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में मैडम का काढ़ा अगर काम में आ रहा है तो उसको बंद करने का ये जो षड्यंत्र है, इसके पीछे कौन लोग है, इसके पीछे चौकसी होनी चाहिए। इसलिए आज हम उन लोग मैडम के साथ में है, काढ़ा चालू होना चाहिए। मैडम कोई लेके यहाँ पे बेड लगा के ट्रीटमेंट नहीं कर रही है, उनको दे रही है और वो जा रहे हैं। एक तरफ शासन ये कह रहा है कि लोग बचने चाहिए और ये यहाँ पे जो प्रज्ञा मैडम ने जो हॉस्पिटल ये जो क्लिनिक है यहाँ पे ये काढ़ा पीने से बहुत से लोगों की जान बच चुकी है और शासन ने इसे बंद करवा दिया है। ये कौन सी नीति है, ये कौन सी दोगली नीति कर रही है ये शासन, इसका हमें खेद है। आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं यहाँ पे प्रज्ञा मैडम के सपोर्ट में खड़ा हूँ। मैं काफ़ी बार यहाँ से काढ़ा ले चुका हूँ और यहाँ से ही नहीं, नागपुर से ऑलरेडी यवतमाल और चंद्रपुर रामटेक ऐसे अलग अलग नगर में देश में यहाँ से काढ़ा हम मैंने भेजा हूँ अपने रिलेटिव को और वो सभी लोग काढ़ा पीकर स्वस्थ है, अच्छे है। जो पॉजिटिव लोग हैं वो नॉर्मल हो चुके हैं, निगेटिव हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, वैसे लोग जिनको अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, ऐसे लोगों को जब मैंने आधी रात को ले जाके 11:30 बजे काढ़ा पिलाया, वो लोग 2 दिन में ठीक हो गए। उनको कोई भी ऑक्सीजन नहीं लगा, कोई वेंटिलेटर नहीं लगा, वो काढ़ा पीकर ठीक हो गए। ऐसी मैं अपने एरिया से करीब 20 से 25 लोगों का पैसा जमा करके मैं खुद के लिए नहीं आया हूँ, मैं लोगों के लिए, जो लोग घर से नहीं निकल सकते, जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो घर से नहीं निकल सकते, जिनके पास कोई नहीं है, मैं उनको हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और कल रात से यहाँ पर NMC वालों ने आकर प्रज्ञा मैडम के साथ गलत तरीके से बात करके कि क्या तुम्हारा नाटक चल रहा है, क्या तुम लोग यहाँ पे तमाशा लगा कर रखे हो बहुत दिन से, ऐसे अब शब्द से बात करके मैडम को यहाँ से पुलिस वालों ने आकर पाटपौली पुलिस स्टेशन में लेकर गए। उसके बाद में करीब आधे घंटे बाद मैडम को छोड़ा गया और मैडम को नहीं ले गए। मैडम आप गलत बोल रहे हैं, मैडम अर्ज देने गई थी, आप मिसप्लेसमेंट के लोगों को मैडम खुद गए थे अर्ज देने। मैडम वहाँ गए, फिर वहाँ से जब आ रहा था मुझको तब भी और काढ़े की जरूरत थी, तो मैं यहाँ पे देखा सब बंद हो चुका था। NMC वालों ने वो बोर्ड यहाँ पे लगाया कि अभी यहाँ पे क्लिनिक बंद है और सुबह 7 बजे से मैं यहाँ पर आया हूँ और करीब करीब मैंने लोगों को जमा किया हूँ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई काम पे जाता है,
कोई काम पर जाता है, किसी के पास कोई मजदूरी पर जाता है, जो भी लोग अपना घर का किराया चला रहे हैं, वैसे लोग जो आखिर नहीं खड़े रह सकते वो लोग आखिर चले गए। लेकिन हम लोग समर्थन करना चाहेंगे प्रज्ञा मैडम को, क्योंकि उनके काले से काफी लोग ठीक हो चुके हैं, हम लोग उनके सपोर्ट में है। तो नागपुर में जो प्रज्ञा मैडम है, जिनका काढ़ा नागपुर में पूरी तरह से फेमस हुआ है, नागपुर में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में उनके चर्चे हैं, ऐसे में जो है महानगर पालिका के अधिकारी उनके क्लिनिक में आते हैं और क्लिनिक बंद करने को कहते हैं। अब जिसके विरोध में जो है प्रज्ञा मैडम के समर्थन में और NMC के विरोध में यहाँ पर जनता जो है वो इकट्ठा आई है। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र TV24 नागपुर। महानगर पालिका कर्मचारी ने आगे गाली-गलौज किया, किसी लेडीज के घर में गाली-गलौज किया, उसके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। जो भी NMC से आए थे, जिन्होंने भी मैडम को गलत शब्दों से बात किया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैडम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मिश्रा मैडम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नागपुर जिले के रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जोरों पर चल रही है, जिसको लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश आर्य ने जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे से मुलाकात की और कालाबाजारी रोकने के लिए निवेदन दिया। हमारी यह मांग है कि नागपुर शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कोरोना पेशेंट को लगती है, उसकी कुछ टाइम से लोगों को बहुत तकलीफ जा रही है और उसके कारण उपलब्ध न होने के कारण रोज सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। आज हम इसलिए जिलाधिकारी के पास आए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो हॉस्पिटल में सप्लाई की जा रही है, नागपुर शहर में 7 CNF के एजेंट हैं और नागपुर शहर में करीब 15,000 से 20,000 इंजेक्शन रेमडेसिविर की आ रही है और 100 हॉस्पिटल महानगर पालिका की कोविड हॉस्पिटल के लिए रजिस्टर्ड है, जिसमें 6,300 कुछ बेड है, पर वो बेड ऐसे है बताए गए हैं जो कॉरपोरेशन में रजिस्ट्रेशन है, वो एक्चुअली कोविड के बेड नहीं है। कोविड के बेड समझ लीजिए किसी हॉस्पिटल में 50 बेड की रजिस्ट्रेशन है महानगर पालिका में, पर वहाँ पर कोरोना के 15 बेड है, तो उस हिसाब से इंजेक्शन सप्लाई होना चाहिए। आज परिस्थिति ऐसी है कि नागपुर शहर के अंदर में कई लोग को हॉस्पिटल नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए बेचारे वंचित रह रहे हैं और वे लोग अपने घरों में इलाज कर रहे हैं। और हालांकि रूल ऐसा है जिसका सीटी स्कैन का स्कोर है 10 के ऊपर आता है तो उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन लगती है। तो हमारा यह कहना था जिलाधिकारी साहब को कि नागपुर शहर में जो बेचारे घर में इलाज करा रहे हैं, जिसका सिटी स्कोर 10 के ऊपर है, तो उनको भी एक रिटेल के जो दवाई की दुकान है वहाँ से उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना चाहिए। और इसमें जो 15,000 इंजेक्शन आ रही है और 6,300 कुछ बेड है, और जबकि हालांकि देखा जाए तो इतने बेड नहीं है, बेड होंगे मेरे ख्याल से 3,000 के आसपास नागपुर शहर में, तो 12,000 इंजेक्शन बाकी कहाँ जा रही है, तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। वह 5,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक नागपुर शहर में बिकी है। इस कालाबाजारी में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसमें प्रशासन का भी कुछ सहभाग हो सकता है। आज हम यहाँ पर इसलिए आयुक्त साहब से मिलने के लिए आए हैं और उनसे निवेदन किया है कि इसको रोकथाम करने के लिए आप इसमें कदम उठाइए, जो बेगुनाह लोग मर रहे हैं कहीं से कम उनकी रोक होना चाहिए। नागपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण और संपूर्ण महाराष्ट्र में लगाए गए 15 दिन के लॉकडाउन के मद्देनजर नागपुर में इसका कड़ाई से पालन करने हेतु नागपुर के पाचपावली थाना के अंतर्गत कमाल चौक में पुलिस ने तगड़ा बंदोबस्त रखा। इस दौरान DCP लोहित मथानी भी उपस्थित थे। इस दौरान पुलिस द्वारा आने जाने वाले हर दुपहिया चार पहिया वाहन की जांच की जा रही है। बिना कारण घूमने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर दिखी, तो वहीं पैदल घूमने वालों पर भी और बिना मास्क घूमने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। बिना कारण घूमने वालों को कारण पूछा जा रहा है, इसी कारण लोग भी बिना काम से बाहर निकलने में डर रहे हैं। महाराष्ट्र TV24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए महाराष्ट्र TV24। नमस्कार।